माफी सरपंच साहब, माफी। सरपंच साहब, घनो धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत बचा ली। आज तो बचा लिया, पर ये मारे घर से निकल के कहीं भी जाएगी, दुनिया इसे जिड़े ना देगी। चल, मैं चलूं थारे साथ। मरने ऐसे छेड़ना कि सरपंच साहब थारे को मारने पे आ जाए। पैसे हो जाएगा थारा काम। हाय सर, आप यहीं रहो, मैं जूतियां लेकर आती हूँ। ठीक जा। भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब क्या हो गया आपने भाई साहब? भाई साहब, सावरी काकी, भाई साहब क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक से? तुम्हारी चिंता मत कर, हमारे साथ सावरी काकी है, तू जा। पर भाई साहब, वहाँ बापू साहब को थारी जरूरत होगी, तू जा ना। अरे बड़े सरपंच साहब, उमेश सिंह जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आज जरूर। राम राम सर। उमेश सिंह जी, तुम्हें कोई गवाही या कोई सफाई देनी है जिस पर तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो सके? कोई ना है हमारे संसार में, मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं। बापू सर, खुली मारी नहीं मासा बने की ना? पंचो, मारी गवाही और मारी सफाई दोनों ही मारी जुबान है, और मारी जुबान कभी झूठ ना बोले ये सब जाने, पर फिर भी मारे पे यकीन करना ना करना आप सबके हाथ में ही है। उमेश सिंह जी कभी झूठ ना बोलेंगे ये तो मैं ही मानू। अगर उमेश सिंह की बात मान ली पंचों ने, तुम्हारी चाल बिगड़ जाएगी। अरे बच्चे से आपको सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है अपना सच साबित करने के। कल मर जाने दिया होता ना मैंने। अरे बच्चे से सबके सामने आप पर उंगली उठ रही है, क्यों बचा है मैंने? कल इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। सरपंच साहब, अगर ये आत्महत्या कर लेती तो क्या होता? बहुत बुरा होता। आपने ना कोई गवाह और ना कोई सफाई दी, इसलिए पंचों का ये फैसला है कि उमेश सिंह को इस औरत से अभी ब्याह रचाना होगा। छोरा, छांस पी ले, इसमें अजवाइन, जीरा और हींग डाला हुआ है, पेट दर्द में आराम हो जाएगा। पिलो भाई साहब, आप ठीक हो जाओगे।
पी ले छोरा, आराम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में। भाई साहब ठीक हो ना? भाई साहब तुम्हारी चिंता ना कर, मन्ने कुछ ना हुआ है। तू जाना रसू, वहाँ बापू साने सारी जरूरत पड़ेगी। ना जाने क्या फैसला लिया होगा उन पंचों ने। पर भाई साहब मैं अपने छोड़कर कैसे जाऊँ? लाड़ो तू जा, सरपंच साने तेरी जरूरत होगी। मैं हूँ ना अठे, मैं ध्यान रखूंगी, चिंता ना कर। ठीक सर, पर आप मारे भाई साहब का ध्यान रखना। हाँ तू जा। जा रसू। बड़े सरपंच साहब माफी चाहो, पर इस बेचारे के पास और कोई रास्ता भी तो ना है। अभी आते समय दो मनचले बोली बोल के छेड़ रहे थे इसने। सरपंच साहब की वजह से इस बेचारे के माथे पे कलंक लग गया। माफ करना बड़े सरपंच साहब, पर खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ये छोटे सरपंच साहब ने इसकी और फूली दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब तो ये देखना है कि गांव के पंच सरपंच साहब के प्रभाव के आगे झुक जाते हैं या फिर निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई कितना भी प्रभावशाली हो, पंचों का फैसला सच के पक्ष में ही होता है। उमेद सिंह जी, आपने ना कोई गवाह और ना कोई सफाई दी, इसलिए पंचों का ये फैसला है कि उमेद सिंह को इसी वक्त इस औरत की मांग में सिंदूर भर के इससे ब्याह रचाना होगा।